हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कस्टम वॉलपेपर हम कैसे सेट कर सकते हैं। कस्टम वॉलपेपर क्या होता है, जैसे कि आप अपनी सेटिंग से भी मतलब वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी गैलरी से भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस से अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये इन्फिनिक्स का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे, सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर जाना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको वॉलपेपर वाले ऑप्शन पर जाना है और गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आप स्क्रीनशॉट से भी लगा सकते हैं वॉलपेपर, कैमरे से भी वॉलपेपर लगा सकते हैं, आपके पास कोई अपनी फ़ोटो वगैरह वो भी लगा सकते हैं वॉलपेपर। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे पास गैलरी में ये फ़ोटो है और ये वाली भी फ़ोटो है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं ये लगाना चाहता हूँ, इसको अप्लाई पर क्लिक करेंगे और लॉक स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं, होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं, बोर्ड पर लगाना चाहते हैं, बोर्ड का मतलब दोनों पर। तो मैं बोर्ड पर क्लिक कर देता हूँ और मेरा ये अप्लाई हो जाएगा कस्टम वॉलपेपर। तो ये आप देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।